आज कटलाल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। कटलाल विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पिछले 50 साल से बहुत बड़ा मजबूत किला रहा है। पिछले 50 वर्ष में कांग्रेस कभी भी इस सीट पर पराजित नहीं हुई। कटलाल एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को कभी विजय नहीं मिली है। इतना ही नहीं, 2009 के अभी के लोकसभा के चुनाव में हम 13,000 वोट से इस सीट पर पीछे थे। ऐसी एक सीट का चुनाव था, कांग्रेस की दिल्ली सरकार के मंत्री श्रीमान दिनशा जी के क्षेत्र में ये चुनाव था। ये उस इलाके का चुनाव था जहां पर माधव सिंह भाई सोलंकी और उनके बेटे श्रीमान भरत सिंह सोलंकी, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर ये चुनाव था। और जो जिस चुनाव में हम कभी जीते नहीं थे, लेकिन कटलाल के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को पुरजोश समर्थन किया। 21,500 से अधिक वोटों से ये चुनाव हमने जीत लिया है। इस चुनाव को अनेक प्रकार से इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग कर करके परेशानियां पैदा करने की कोशिशें की गई। गुजरात में कभी जनरल इलेक्शन में भी रीपोलिंग रेयरली होता है, लेकिन यहां पर 7 पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाया गया और वरिष्ठ ऑब्जर्वर की हाजिरी में रीपोलिंग हुआ। उस 7 पोलिंग बूथ का जो रीपोलिंग हुआ, वहां करीब 5,300 वोट पड़े और आज जब नतीजे आए तो उन 7 पोलिंग बूथ में कांग्रेस को सिर्फ 300 वोट मिले हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत न जाए इसलिए सिलेक्ट कर करके ऐसे पोलिंग बूथों को रीपोलिंग करवाने का कैसा षड्यंत्र हुआ होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। ये ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए हैं। यह वो चुनाव है जो गुजरात की जनता ने विकास की राजनीति को पुरजोश समर्थन किया है। आज कटलाल ने उस पर मोहर लगा दी है। ये वो चुनाव है जो देश को भी संदेश देते हैं कि देश को विकास की राजनीति मंजूर है, विनाश की राजनीति मंजूर नहीं है। कांग्रेस की नकारात्मक विनाश की राजनीति को कटलाल के गांव के भले भोले मतदाताओं ने करारा जवाब दिया है। कमल का क, कटलाल का क और हमारे उम्मीदवार का नाम भी क से शुरू होता है और आने वाले दिनों में जो चुनाव का यज्ञ चलने वाला है वो भी क से शुरू होकर के आखिरी वर्ड तक विजय ही विजय दिलाने वाला रहने वाला है। तो मैं कटलाल के मतदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूं। लोकतंत्र का झंडा ऊंचा रखने का काम कटलाल के मतदाताओं ने किया है, विकास के कार्य के लिए हमारा हौसला बुलंद किया है और कांग्रेस और सीबीआई के सारे षड्यंत्रों को पूरी तरह गुजरात की जनता ने दफना दिया है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन्मदिन के दिन जो ये जीत मिली है गिफ्ट के तौर पर, आपको कैसे आप एनालाइज करें? वैसे इस चुनाव के नतीजे 16 तारीख को आने वाले थे, लेकिन कांग्रेस कुछ भी करने जाए वो आखिरकार कुछ ऐसा ही हो जाता है कि उनके हाथ की बाजी नहीं रहती। और मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे जन्मदिन पर मुझे गुजरात की जनता इतनी बड़ी भेंट सौगात दे देगी। तो 16 का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने 17 को कर दिया। अब 17 हमारा जन्मदिन ही है, अगर कांग्रेस को मालूम होता तो शायद वो आज नहीं करते, लेकिन अब हो गया। तो मैं कटलाल की इस भेंट को, और आपको याद होगा इसी कटलाल विधानसभा क्षेत्र में फागवेल का मंदिर आता है, गौरक्षा के लिए बलिदान किया हुआ वो जगह है। और मैंने 2002 में मेरी चुनाव यात्रा का प्रारंभ करने से पहले उस फागवेल मंदिर के दर्शन करके निकला था, लेकिन उस कटलाल को हम कभी जीत नहीं पाए थे। आज वो काम भी हो गया है,
और इसलिए हमारी खुशी और बढ़ गई है। इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ी बात है, और मैं मीडिया के मित्रों को चाहूंगा, पॉलिटिकल पंडितों को चाहूंगा कि वो इस तरह का एनालिसिस करें। अब तक मेरी जानकारी है कटलाल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता क्षेत्र जो क्षेत्र एरियाज हैं, करीब 65% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को समर्थन करके हुए मतदान किया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों को गुजरात की विकास की राजनीति ने, गुजरात के मुसलमान जागरूक मतदाताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश में इस प्रकार के गुमराह करने वाले तत्वों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।